हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मेरी एक बात ध्यान समझिएगा, बुधवार के दिन आप लोग को टेस्ट होने वाला है प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम से जितना अभी तक पढ़ाए हैं, जितना वीडियो गया है, 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, दिन बुधवार को रात 8 बजे या सुबह में ही मॉर्निंग में 10 बजे टेस्ट होने वाला है। अगर मॉर्निंग में 11-12 बजे टेस्ट होती है तो दोपहर में आपको उसका लाइव सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो लगभग मानिए 12 बजे के आसपास दोपहर में ही टेस्ट होगा दिन बुधवार को। तो चलिए देखिए, आज का टॉपिक है लीवर वर्ट्स। लीवर वर्ट्स क्या होता है, कल हम बता रहे थे ब्रायोफाइटा, तो इसमें बात आई थी लीवर वर्ट्स और मॉसेस का। तो लीवर वर्ट्स समझिए, ये भी एक प्रकार का पौधा ही, ये आप जो पाया जाता है लीवर वर्ट्स, वीडियो पूरा देखना है। और एक बात और कहना चाहते कि जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिएगा। तो देखिए, लीवर वर्ट्स जो होता है ये मूल रूप से नमी स्थान यानी छायादार स्थान जहां मिलेगा, नमी स्थान जहां पानी इसको नमी मिलेगा वहां ही पाया जाता है। दलदली जमीन जहां पे है वहां पे पौधा पाया जाता है। गीली मिट्टी है वहां पे पाया जाता है। झरना के किनारे पौधा पाया जाता है, यानी सीधा कहिए तो जहां पे नमी वहीं पे पौधा ही पाया जाएगा। यानी डायरेक्ट भाषा बोलिए, नमी स्थान पर पाया जाता है। लेकिन इसका लीवर बॉट्स का शरीर जो होता है थैलस होता है। लीवर बॉट्स का शरीर जो होता है वो थैलस होता है, और इसी थैलस के विखंडन से इसमें अलैंगिक जनन होता है। थैलस के विखंडन से इसमें अलैंगिक जनन होता है। अब यहां पे अलैंगिक जनन की बात आता है, सुनिएगा। थैलस किसको बोलते हैं? थैलस उसी को बोला जाता है जिसके शरीर को जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं कर सकते। जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं कर सकते, उसी को बोला गया थैलस। अब यहां पे बात करते हैं कि थैलस जो, देखिए शरीर जो होता है इसको विखंडन होता है, उसके अलैंगिक जनन होता है, तो इसमें लैंगिक जनन भी होता है। इसके जैसे इसमें लिवर बॉड्स में आता है रिकिसिया, मार्केसिया, थैलस डॉर्सी बेंट्रल। अब थैलस डॉर्सी बेंट्रल जो होता है, बेंट्रल डॉर्सी बेंट्रल, इसमें एक सबसे अहम भूमिका जो होता है मार्केशिया का होता है। मार्केशिया में एक विशेष प्रकार का संरचना होता है, यानी मार्केशिया में एक विशेष संरचना होता है, उस संरचना को जेमी बोला जाता है। लेकिन कहीं कहीं किताब में इसको लिख देगा जेमी हरा, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं किताब पर लिखेगा जेमी हरा लिखेगा, तो हड़बड़ा मत जाना हर से हरा। तो मार्केशिया में विशेष प्रकार के संरचना होता है जिसको जेमी कहते हैं, और कहीं किताब में आपको जेमी हरा लिखेगा, सीन जेमी भी लिखता है इंग्लिश में। और ये जेमी जो होता है बहुकोशिकीय होता है और अलैंगिक कली होता है या लैंगिक जनन करता है। बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन अलैंगिक कली जो होता है यानी टोटल यहाँ पे कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर तो है ही, अलैंगिक कली है। तो जेमी जो है वो जेमी होता है, उसकी संरचना जेमी की जो होती है वो कप नुमा होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात, मार्केशिया में एक विशेष प्रकार का संरचना होता है उसको जेमी कहते हैं, और जेमी जो होता है उसकी जो जेमी की संरचना होती है वो कैसा होता है, कपनुमा संरचना होता है, यानी जेमा कप्स होता है, कपनुमा संरचना होता है। इसमें अलैंगिक भी जनन होता है, लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन जो होता है उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर बनाता है। तो नर युग्मक को पुधानी और मादा युग्मक को स्त्री धानी कहते हैं, पहले भी बता चुके, नर युग्मक को पुधानी, मादा युग्मक को स्त्री धानी कहते हैं। अब पुधानी तो आपको पता है कि नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक, दोनों को स्मॉल एन से ही सूचित करते हैं। एन प्लस एन मिलके क्या बनाता है, 2N। और 2N को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। युग्मक लिखा इसको युग्मनज कर लीजिए, युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज जो होता है, आपको कल की क्लास में ब्रायोफाइटा में बताए थे कि युग्मनज जो है उसको बीजाणु भीत बनाता है, बीजाणु भीत बनता है, तो बीएस यानी स्पोरोफाइट बनता है। और ये स्पोरोफाइट जो होता है, इस शरीर जो इसका होता है 3 भाग में बटा होता है, ध्यान समझिएगा। बीजाणु भीत का शरीर कितने भाग में, 3 भाग में बटा होता है, पाद फूट सीटा कैप्सूल, पाद सीटा कैप्सूल में बटा होता है 3 भाग।
युग्मनज से क्या बनता है? बीजाणुभीत। बीजाणुभीत का शरीर जो कितने भाग में? तीन भाग में, फुट सीटा कैप्सूल पाद सीटा कैप्सूल में बटा होता है। इतना ही नहीं, पाद सीटा कैप्सूल में बटा तो होवे करता है, लेकिन यही बीजाणु जो बाद में अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के फिर से थैलस शरीर बनाता है। और थैलस शरीर तो समझते ही है कि जिसमें न जड़ हो न तना हो पत्ती ना हो, उसको विभाजित अलग किया ना जा सके, यानी जड़ तना पत्ती में विभाजित ना कर सकते हैं, उसके शरीर को बोला जाता है थैलस शरीर। समझ में आ रही बात? तो लिवर बॉड्स इतना ही था। लिवर बॉड्स कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ये 2020 में आपको पूछा था इसे क्वेश्चन और हमेशा पूछते रहता है, चाहे नीट हो चाहे बीसीसी हो। वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खाली लिख लेने से नहीं समझ में आएगा। अगर हम लिख दे और इस तरह से डायग्राम बना बना के ना बताए तो आपके दिमागों में नहीं घुसेगा, इसलिए हम कोशिश करते आसान से आसान परिभाषा में समझाने का कि को डायग्राम दे दे ताकि आपके दिमाग में डायग्राम बैठ जाए। आप कॉपी पर उतारो तो इसी तरह से डायग्राम में उतार लो, जल्दी याद हो जाएगा। सब लिख लीजिएगा एक बात, जल्दी से जल्दी हर एक बच्चा 10-10 सब्सक्राइबर बढ़ाएगा कि यार इस पे फंक्शन आने वाली है, एप्स इसका बनेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर जब तक 50,000 नहीं होती है तब तक एप्स लॉन्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एप्स लॉन्च करेंगे तो वहां पे सुविधा होगी आप लोग को पढ़ने के लिए कि आप यूट्यूब पर ना पढ़ के हमारे एप्स पे डायरेक्ट पढ़िएगा। तो जिस दिन 50,000 सब्सक्राइबर होगा वो भी उस दिन ना, अभी तो आप लोग मेहनत करते हैं, ये पढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, थोड़ा मदद कीजिए हमारे, तब तो एप्स लॉन्च कर पाए। एप्स लॉन्च कर देंगे तो आपके लिए सुविधा होगा, आप भी पढ़ेंगे, आपके साथी भी सब बिल्कुल फ्री रहेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।